अब कुछ दिनों तक ऐसे ही आदत लगा लो, ऐसे ही बैठने की इस छत पे, कहीं बाहर नहीं जाना है। और हाँ, तुम लोग भी यहाँ मत आओ। अभी मैंने एडिटिंग कंप्लीट की और ये वीडियो अपलोड कर दी है डॉग वाली आर्ट वाले चैनल पे, तो जाके देख लेना, तो काफ़ी सही बनी है। और इसको एडिट करने में बहुत टाइम लग गया। मैं आपको फाइल दिखाता हूँ कितनी बनी थी। जो लोग कमेंट करते हैं फर्स्ट लाइक मेरा था, तो फर्स्ट लाइक मेरा होता है खुद का, देखो। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो इतनी सारी फाइल्स बनी है इसकी। इसको एडिट करने में पूरे 2 घंटे लगे, जबकि टाइम लैप्स करना था। तो ये काउंट करते हैं कितनी है टोटल। तो ये टोटल हैं, हाँ बोलो, मैं वीडियो बना रहा था यार। दिखाओ क्या दिखा रहे हो। हाँ ये मस्त है, 2x2 के बड़ी देख कितनी। हाँ हाँ ये मस्त है। सो गाइस देखो, वुडन की ये वाली टाइल काफ़ी अच्छी लग रही है। हाँ ये वाली टाइल चाहिए मुझे, ये लगा देना। आज ही ले आओ, कल क्या लेनी है, शाम को जाके ले आओ, कल तो संडे है। चलो जो भी है, मास्क तो उतार लो अब। तो फाइल्स देख रहा था मैं, फाइल्स हैं टोटल 70, वो सारी डॉग की ड्राइंग की हैं। तो 69 फाइल मैंने डाली, एडिट की, और ये टोटल फाइल्स हैं देख लो 88.8 GB की। तो मुझे 128 GB का मेमोरी कार्ड का फ़ायदा हो गया। देखो सारी पूरी ड्राइंग की वीडियो एक ही मेमोरी कार्ड में है। इसमें कोई 10 मिनट की है, कोई 20 मिनट की है, कोई आधे घंटे की है, कोई 1 घंटे की है, बिकॉज बीच में रुक रुक के बनाता हूँ ना। तो टोटल पूरे 7 घंटे की फाइल थी, 7 घंटे मैंने वीडियो रिकॉर्ड की इसकी। और जो एक्चुअल टाइम होता है ना, वो डबल होता है, बिकॉज मैं ना सारे पार्ट रिकॉर्ड नहीं करता, ओनली इंपॉर्टेंट फाइनल टचिंग करनी हो, थोड़ी बहुत ब्लेंडिंग करनी हो, पेंसिल शार्प करनी हो, तो उसमें डबल टाइम लग जाता है। तो ऑलमोस्ट 14-15 घंटे लगे होंगे इसको बनाने में, कैमरे पे अगर 7 घंटे हैं तो। सो एक एक ड्राइंग को बनाने में गाइस काफ़ी एफर्ट लगता है, और रिकॉर्ड करने में भी काफ़ी एफर्ट लगता है, एडिट करने में भी। तो लाइक कर देना। एक बार फाइनल वर्क दिखाता हूँ कैसा लग रहा है। सो फाइनल वर्क कुछ इस तरह का लग रहा है, डार्क कर लिया है, स्मूथ कर लिया है, तो फर काफ़ी सही लग रहे होंगे आपको। ये जो भी है ना, ये स्टार्टिंग से ऐसा नहीं है, स्टार्टिंग में मैं फ़ोन से रिकॉर्ड करता था जियोनी वाले, उस टाइम मैं जल्दी बनाता था, 1 या 2 घंटे में कंप्लीट ड्राइंग बना देता था। उसकी वीडियो 5-6 GB की ज़्यादा से ज़्यादा, या फिर 2-3 GB की बनती थी, तो फ़ोन से एडिट कर लेता था। फिर उसके बाद टाइमिंग बढ़ी तो GB भी बढ़ी, फिर मैंने मेमोरी कार्ड लिया, अब तो हार्ड डिस्क भर रही हैं, 100-100 GB की वीडियो बन रही है। तो टाइम टू टाइम एक्सपीरियंस के हिसाब से चीज़ें डेवलप होती रहती है, हम सीखते रहते हैं। ऑनेस्टली बताऊँगा, स्टार्टिंग में सोचा था कि फ़ोन से ही रिकॉर्ड करूँगा जिंदगी भर, और फ़ोन से एडिट करूँगा, क्योंकि लैपटॉप का झंझट होगा, लैपटॉप में एडिटिंग सॉफ्टवेयर सीखने पड़ेंगे, ये होगा वो होगा, तो मेरे माइंड में यही था। बट जब मैंने ये लिया, एडिटिंग थोड़ी बहुत देखी, तो बहुत ईजी है इसमें करना, बहुत शॉर्टकट्स हैं, तो जल्दी जल्दी हो जाता है। जो काम फ़ोन में 4 घंटे लगते थे, वो इसमें 2 घंटे में हो जाता है। अब मुझसे फ़ोन में नहीं हो पाएगी, हो तो जाएगी, मतलब मन नहीं करेगा करने का। तो स्टार्टिंग में जो चीज़ हम सोचते हैं कि ये चीज़ हम बाद में नहीं करेंगे, वो हमको करनी ही पड़ती है, और वो हमको अच्छी भी लगती है। मेरे साथ तो ऐसा होता है, ड्राइंग में भी हुआ था, इसमें भी हुआ है, मतलब हर चीज़ में होता ही रहता है। कहाँ चाय है? पापा जी कुछ ज्ञान की बात बता दो। बताएंगे बेटा, एक बार एक घूंट चाय का पान करते हैं। कोरोना का पेशेंट हो गया, अब क्या होगा? गलीशील ना हो, गलीशील हो जाएगा तो हमारा सब अंदर जाना, बाहर जाना बंद हो जाएगा, कोई काम नहीं होगा फिर हमारे घर। कोई बात नहीं, वीडियो तो बनाएंगे हम अंदर ही अंदर, हैं? वीडियो व्लॉग तो बन जाएंगे, इनके पूरे घर में होंगे फिर तो। जो ये बात चल रही है कोरोना पेशेंट की, वो है हमारे घर के बिल्कुल सामने वाला घर, जो कि आपने व्लॉग में देखा होगा, पूरा जो बड़ा वाला है, और जो मेरी विंडो है, ये विंडो के जो सामने गेट है, बिल्कुल सामने, थोड़ा सा डिस्टेंस है। तो कल रात को मैं ड्राइंग कर रहा था, 12 बजे की बात है, तो उस टाइम गौरव भी है हमारे सामने, तो उनको ले गए, क्योंकि उन्होंने टेस्ट कराया था 3 दिन पहले और उनका पॉजिटिव आ गया। तो रात के 12 बजे, क्योंकि मैं तो ड्राइंग कर रहा था, आप बाहर का दिखता भी नहीं, देखो मतलब रात को नहीं दिखता, दिन में तो दिखता है क्योंकि अंदर लाइट जली होती है ना, बट मुझे लगा वैसे आते जाते रहते हैं रात को ये, तो वैसे कुछ होगा। तो 3-4 लोग आए थे, इनको ले गए, मुझे सुबह पता चला, तो तब से ना काफ़ी ज़्यादा डर सा लग रहा है। बस दुआ करूँगा जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। और आज पूरा दिन रूम पे कोई काम नहीं हुआ, बस थोड़ा सा वायरिंग हुई थी, तो हो सकता है कि हमारी गली बिल्कुल सील हो जाए। इनके घर के बाहर एक पर्चा लगा दिया, मैं आपको दिखा दूंगा, पर्चा लगा दिया है कि 6 तारीख तक पूरा घर में कोई आएगा नहीं, जाएगा नहीं, या फिर यहाँ आसपास नहीं आना है, तो मेरे रूम का काम भी नहीं होगा फिर। अब रूम छोड़ो यार, मैं तो कहूँ जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। आप मिले थे परसों से? नहीं, मिले तो थे परसों, परसों कुछ दे रहे थे आप दूर से? मेरे मम्मी को नहीं दिया, मम्मी को दिया। क्या दिया मम्मी? मेरा आधार कार्ड और कुछ दिया था। आपने भी तो दिया था, मम्मी थी उनकी, मम्मी आई थी लेने मेरे से आधार कार्ड। हम तो यूजली नहीं जाते किसी भी पड़ोसी के घर पे, मैं तो नहीं जाता किसी के, ये जाता है अग्रिम के घर और शुभम के घर, साहिल भी नहीं जाता, पापा जी भी जाते, मम्मी जाती है कभी कभी। इनके घर है,
उसकी छोटी वाली साइकिल इनके घर पे सामने वाले, अब नहीं मिलेंगे। डाल देंगे पूरा कॉस्ट्यूम डाल के, सैनिटाइजर वाले आए हुए हैं, पूरा घर सैनिटाइज कर रहे हैं उनका। तो देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है COVID-19 डू नॉट विजिट, पूरा लिखा हुआ है इसके ऊपर अच्छे से। ये रहा हमारा घर, ये रहा इनका घर। आप में से 99% लोगों ने बोला कि वुडन वाली टाइल लगाओ, तो वुडन वाली लगाएंगे। मेरा तो अभी मन कर रहा है अभी शिफ्ट हो जाओ यहाँ पे, बट नहीं हो सकता। इस वाली वॉल पे सोच रहा हूँ पूरे स्केच लगा लूँगा अपने, बिना फ्रेम कराए, बिना फ्रेम कराए स्केच, थोड़ा आर्टिस्टिक लुक आती है ना, अच्छा लगेगा। क्योंकि बहुत बड़ी वॉल है, बहुत ऊपर की साइड से, नीचे तो सारे टेबल आएंगे, एडिटिंग टेबल वगैरह। क्या लगाओगे अगर बीच में? बीच में कुछ नहीं, प्लेन कर दूंगा इसको, कोई नहीं, तार तो अंदर चली जाएगी। इसको मैं हॉल को बंद कर दूंगा बिल्कुल। लाइट व्लाइट कुछ नहीं, लाइट से अजीब लगेगा। एक पंखा यहाँ लग जाएगा, एक पंखा यहाँ, यहाँ पे एसी की फिटिंग करा रखी है, देखो एसी की वायर भी लग गई है। सही है, एसी लेके आना है। तीन बोर्ड है टोटल, एक बोर्ड, दो बोर्ड, तीन बोर्ड, सही है ना। इसके ऊपर टेबल आ जाएगी, टेबल के नीचे बोर्ड छुप जाएंगे। एक बोर्ड ये था, हाँ ये तो तीन चार पाँच छः सात आठ 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 बोर्ड है, तीन ही बोर्ड है। साइकिल ला के दे दो ले। 6 तारीख तक बंद है घर, हम आ जा सकते हैं यहाँ से? कहाँ से? कुछ लोग यहाँ से आ जा सकते हैं सील होने के बाद भी। कैसे? कुत्ते के नीचे से। सरदा चलो पतंग उड़ाते हैं। पतंग है तेरे पास? कहाँ है? कट के आई थी। कहाँ से कट के आई थी? नीचे से। दिखा ये कैसी पतंग है? अखबार की पतंग कहाँ से कट के आ गई? बनाई है कि खुद बनाई है? पागल हो रहा है क्या तू? हट, ऐसे थोड़ा ना उड़ती है पतंग, खुद बना के उड़ती है कोई? नहीं उड़ेगी, रेडीमेड लिया। आजकल ना गर्मी थोड़ी कम हो गई है, इसलिए हम देखो धूप में आराम से खड़े हैं। मम्मी पता क्या कह रही है कि अगर हमारा टेस्ट किया, हमारा पॉजिटिव वगैरह आ गया ना, तो अड़ जाना, मतलब जाना मत, कह रहे घर में क्वारंटीन कर लेंगे हम। अरे ऐसा कुछ नहीं, हमको नहीं है, हम ऐसा सोचो कि हम सब ठीक है, कुछ नहीं। 6:30 हो गए हैं, गली में आज कोई बैठा हुआ भी नहीं दिख रहा है। देख लो गाइस खौफ, और काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि आप कुत्ता नहीं ला रहे, तो सीन ये है कि मेरे को जाना पड़ेगा हिसार, हिसार से पहले पता करना पड़ेगा, बिकॉज मुझे लेना कल्चर पॉम्प, टॉम टॉय पॉम्प नहीं, कल्चर पॉम्प लेना मुझे, तो उसके लिए पहले हिसार जाना पड़ेगा। वहाँ पर काफ़ी शॉप्स में पता करना पड़ेगा, बिकॉज काफ़ी महंगा महंगा बता रहे हैं। कौन है? तो एक दिन लगेगा पूरा, पहले पता करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, क्योंकि जिसको नॉलेज नहीं होती ना उसको तो ऐसे ही ठगते हैं। कुत्ता और नहीं तो क्या। मैंने चेक किया, ऑनलाइन चेक किया, बहुत जगह चेक किया, तो कल्चर पॉम 8,000 से 12,000 तक में मिल जाएगा। इतना हम अफोर्ड कर सकते हैं तो हम लेंगे अच्छे से, और रिस्पॉन्स, और ऐसा नहीं कि जल्दी ही जाके ले आया, बिकॉज बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, तो अच्छे से सोच समझ के ही लेना पड़ता है कौन सा लेना है, किस तरह से लेना है, इसीलिए अभी तक नहीं लिया, बट लेंगे गाइस एक बार ये ठीक हो जाए यार, कोरोना का केस ठीक हो जाए यहाँ पे ना। सबसे मेन तो अभी यही है ना। और कुछ लोग ये बोल रहे थे कि आप आर्टिस्ट हो, आप इतना काम करते रहते हो, आप टेक केयर नहीं कर पाओगे, बट ऐसा नहीं है। अगर कोई चीज़ मेरे पास है तो मैं उसके अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, ऊपर से मेरी फैमिली है, ये है, ये खेल लेगा उसके साथ में, मम्मी है, ऐसा कोई बात नहीं है। तो अभी अम्मा सनसेट के नज़ारे देख रही है सामने, सामने किला है, सनसेट है, और बहुत प्यारा। सिर्फ हमारा घर फंस गया है, बिकॉज जो बगल वाला घर है शुभम और का, वो चले गए यहाँ से, ताला लगा के किसी और घर ताला लगा के चले गए यार, ये सही है। हम कहाँ जाएंगे? हाँ घर में तो रहेंगे, लॉकडाउन में भी तो रहे थे, वो तो कोई बात नहीं, बट एक तो काम काम, चलो काम तो छोड़ो यार, ठीक हो जाए बस सब। अब कुछ दिनों तक ऐसे ही आदत लगा लो, ऐसे ही बैठने की इस छत पे, कहीं बाहर नहीं जाना है। और हाँ तुम लोग भी यहाँ मत आओ, पता है मेरे को तो पता ही नहीं था, बताया था जी ने। चलो कोई सामने वाला घर दिख रहा है, क्या हो रहा है रानी में? अभी तो नहीं आ सकते, सुनो अभी हम कल परसों नहीं आए थे तुम्हारे घर, वो तो आए थे। अरे वो बात नहीं है मम्मी, ये गली के इधर वाले, इधर वाले, इधर वाले यहाँ तक नहीं आ रहे, हमारे यहाँ तक अपने बच्चों को नहीं भेज रहे, कोई आ ही नहीं रहा। 11 केस आए हैं हाँसी में एक दिन, कल कल कहाँ 11 केस हैं कोरोना बम, जिसमें 9 तो यहीं के हैं, जगदीश कॉलोनी और मुल्तान कॉलोनी के, हाँ 9 के इस गली में, इस गली में है। कोरोना तो किसी को भी हो सकता है अम्मा, यार मैं बताऊँ काला बनाओ कुछ नहीं होता, कोरोना ऐसे ही भागता है हवा की तरह, गाढ़ा बना ए महल में कोनी बना ले तोड़ती नहीं है, पता नहीं इतनी सारी तुलसी किस लिए रखी है वो। सो जैसे कि आपने सुना हमारी सिटी में इतने सारे केसेस, वो भी एक ही दिन में, मतलब जब लॉकडाउन था तब तो बिल्कुल भी नहीं थे, एक भी नहीं था लॉकडाउन में, लॉकडाउन के हटते ही किस तरह से चालू हुए, और अब देखो क्या हाल हो गया, तो अब तो बिल्कुल भी खतरे से खाली नहीं है। तो बिल्कुल अच्छे से काम से ही बाहर जाएंगे, फालतू का घूमूंगा नहीं, और अपना काम करेंगे, और पता नहीं अब
रूम बनने में कितना टाइम लगेगा, कितना डिले होगा, एक महीना भी ज़्यादा लग सकता है, वो आपको आने वाले व्लॉग्स में चल जाएगा पता। व्लॉग तो मैं कर ही लूँगा डेली, लॉकडाउन में मैंने किया है। मेरा काम तो ठीक है, आर्टिस्ट का काम तो घर में होता है, व्लॉगिंग भी हो जाएगी घर में फैमिली के साथ में। बट जो लोग आप बाहर जाके काम करते हो तो अच्छे से बिल्कुल सेफ्टी के साथ काम करो, मास्क पहनो। ये व्लॉग थोड़ा सीरियस हो गया था बट जो भी आपको दिखा दिया, जो भी चल रहा है, अब देखते हैं कि गली सील होती है या नहीं होती। वैसे तो जितने भी यहाँ पे पेशेंट है ना, सबकी गली सील हो रखी है आसपास। जो भी हो, बस हमको प्रे करना है उन लोगों के लिए जो लोग इसे सफ़र कर रहे हैं, और अपना खुद अच्छे से रहना है और काम करना है। मेरा तो घर में हो जाता है तो हाँ, बस आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में सब्सक्राइब कर देना और प्रे करना जो लोग सफ़र कर रहे हैं। बस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।